पोलेराइड और उसके उपयोग। 12th फिजिक्स में तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है कि पोलेराइड क्या है और इसके उपयोग लिखिए। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 4 नंबर में अक्सर पूछा जाता है और 2 अंकों में ऑब्जेक्टिव में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि पोलेराइड क्या है और इसके उपयोगों की सूची बनाइए। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि पोलेराइड क्या है। वास्तव में पोलेराइड का जो उपयोग है वही पोलेराइड की परिभाषा है कि पोलेराइड समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सस्ती और सरल युक्ति है। मतलब बहुत सरल तरीके से हम इससे समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब जो प्रकाश की चकाचौंध होती है उसको आप कम करके और उसमें विद्युत वेक्टर के कंपन एक ही दिशा में करके समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं पोलेराइड की मदद से। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये प्रकाश के जाने का डायरेक्शन है और ये अध्रुवित प्रकाश है, मतलब इसमें विद्युत वेक्टर के कंपन जो है वो इस तरंग संचरण की दिशा के जो है लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में है। मतलब देखिए यहाँ ये अध्रुवित प्रकाश है और ये अध्रुवित प्रकाश जो है इस तरीके से हमारी आंखों पर आकर चकाचौंध उत्पन्न कर रहा है। अब इस बीच में हमने क्या किया, एक पोलेराइड का यूज़ कर लिया। अब पोलेराइड ने क्या किया, जो आपने पोलेराइड फिल्म का यूज़ किया या पोलेराइड का यूज़ किया, तो पोलेराइड वास्तव में क्या है कि ये कांच की जो 2 प्लेटें हैं इनके बीच में नाइट्रोसेल्युलोस की शीट बिछाकर उस पर कार्बनिक यौगिक जो होता है हर्पेथाइट, उसके क्रिस्टल इस तरीके से ये क्रिस्टल्स उसके बिछा दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जितने भी जो अध्रुवित प्रकाश होता है उसमें जो विद्युत वेक्टर के कंपन सभी संभव दिशाओं में होते हैं वो केवल एक ही दिशा में आ जाते हैं और अध्रुवित प्रकाश की बजाय हमें जो प्रकाश प्राप्त होता है वो होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो पोलेराइड है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करता है। मतलब अध्रुवित प्रकाश जब पोलेराइड में से जाता है तो पोलेराइड उसको किस रूप में बदल देता है, समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है। तो इससे क्या होता है, इसके अगर उपयोगों की सूची बनाएं तो पहला उपयोग तो यही हो गया कि समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फ़ायदा क्या हुआ इससे कि जो प्रकाश की चकाचौंध है हमारी आँखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है, जो हमारी चकाचौंध उत्पन्न करता है उसको दूर करने के लिए, और यही कारण है कि हम इसका सनग्लासेस में यूज़ करते हैं। और रात में जो आमने सामने से जो आने वाले वाहन है उसकी जो तेज़ रोशनी होती है उससे बचने के लिए जो वाहनों की जो मेन स्क्रीन होती है फ्रंट स्क्रीन उसमें इसका उपयोग करते हैं। विंड स्क्रीन में इसका उपयोग करते हैं ट्रेन और हवाई जहाज़ की खिड़कियों में, जहाँ सूर्य से आने वाले प्रकाश की तीव्रता को क्या करते हैं, कंट्रोल किया जाता है ना। एसी वगैरह के डिब्बों में आपने इसको देखा होगा, या अच्छी जो वातानुकूलित बसेज होती हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और पोलेराइड युक्त कैमरे होते हैं और 3D चित्रों को देखने में इसका अध्ययन किया जाता है। फिर 3D फिल्म का जब निर्माण होता है तो विशेष प्रकार के पोलेराइड्स का संयोजन किया जाता है, तो वो भी है। और एक ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बादलों का स्पष्ट प्रतिबिंब खींचने में किसका उपयोग करते हैं, तो वो पोलेराइड युक्त कैमरे का उपयोग करते हैं। और साथ ही जो है पदार्थों के प्रकाशीय गुणों के अध्ययन में और अणुओं के आकार और आकृति के अध्ययन में भी पोलेराइड का उपयोग किया जाता है। तो आपको 4 उपयोग पूछे जा सकते हैं और इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप चित्र बनाकर इसको लिख सकते हैं।